ओडिशा को आसी 24टी फायर फाइटिंग रोबोट भयंकर अग्निकांड एणिकी निया लिभ फटाफट जो निया भीतर अग्निशम कर्मचारी पशिबा असंभव सेठारे पशि फायर फाइटिंग रोबोट निया को आयत्त करिवो। रोबोट रे रही अत्याधुनिक कैमेरा साइरन एवं लाइट 1 किलोमीटर दूर रे रही रिमोट द्वारा कंट्रोल करें दमकल बाहिनी 100 ରୁ 150 फुट पर्यंत पानी पकाइबार रही क्षमता। राज्य सरकार को जीरो काजुआलिटी मिशन को सफल करिवो एई फायर फाइटिंग रोबोट। राज्यर 30टी जाक जिले में रोबोट मुतयन पई योजना आज मुख्यमंत्री करिवे उद्घाटन। राज्य सरकार जीरो काजुआलिटी मिशन को केवल भाव में सफल करा जीवो से नहीं कि जो भाव में 24टी फायर फाइटिंग रोबोट प्रदान करा जायछि निश्चित भाव में लोकों को सहयोग एवं अग्निशम बाहिनी मान को सहयोग करियो बोले कि आशा रही। बहुतल कोठा हो कि कलकारखाना अणओसारी रास्ता थिबा जनबसती हो किंबा मार्केट कम्प्लेक्स कौनसी कारणरू एसबु स्थान अग्निकांड घटिले आयत्त करिबा मुश्किल नुहे असंभव होई पड़े। बेले बेले निरुपाय होई पड़न्ति अग्निशम कर्मचारी किंतु एसबु स्थान नियां को आयत्त करिबा पई आउ कष्टकर व्यापार हेबो नाही कारण ओडिशा रे प्रथम थर पई अग्निशम विभाग व्यवहार करिबाकु जाउछि फायर फाइटिंग रोबोट। राजस्व तथा विपर्जय परिचालन मंत्री सुरेश पूजारी अर्गस को देइछन्ति एही एक्सक्लूसिव सूचना। आज मुख्यमंत्री यार उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रही। ये मास शेष शेष बेल को कि आसंता मात्र प्रथम सप्ताह ओडिशा इंट्रोड्यूस करूँ और ओडिशावासी को देखू जे प्रकृति में अग्निशम विभाग जे जो धरण भी अग्निकांड हो किमिति मुकाबला कर तार डेमोन्स्ट्रेशन ओडिशावासी अति निकट भविष्य में देखिए। सर बेसिकली फायर फाइटिंग रोबोट है ह्यूमन की सेफ्टी को रखते हुए हमने हमारी जयपुर में क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उन्होंने हम लोग डेवलप किया है इस रोबोट को। बेसिकली पूरा रिमोट ऑपरेटेड है और पूरा बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें ना पेट्रोल की डीजल की किसी भी की आवश्यकता चीज़ नहीं है। बेसिकली इसको 1 पर्सन हैंडल कर सकता है इस रोबोट को और ये 2 होज लेके चार्ज के साथ में कैरी कर सकता है आराम से और इसका जो थ्रो होता है वो 70 से 90 मीटर थ्रो रहता है इसका। नियार प्रकोप भयंकर होते भी ता मध्य पशि नियां को आयत्त करने अग्निवीर को पक्षे कष्टसाध्य होता है। एपरिक अग्नि निरोधी जैकेट भी काम दिएनि सेपरी क्षेत्र में संकट मोचन साजिब फायर फाइटिंग रोबोट। भयंकर भयंकर नियां भितर सहजरे पशि आयत्त करिपारिबो एही रोबोट। रोबोट रे रही अत्याधुनिक कैमेरा साइरन एवं लाइट 1 किलोमीटर दूर रे रही रिमोट द्वारा कंट्रोल करिपारिबे दमकल बाहिनी 100 ରୁ 150 फुट पर्यंत पानी पकाइबार रही क्षमता। राज्य सरकार को जीरो काजुआलिटी मिशन को सफल करिवो एही फायर फाइटिंग रोबोट। आमको 3 ରୁ 5 दिन धरिक आमको यह प्रशिक्षण दि जाएगी। आम क्षेत्र में यह बहुत माने काम कर बहुत सहज अति सहज हो पार ये कम गुड़ाक मेजर कम गुरा कर। धरतु झारसुडा जिला गोटे इंडस्ट्रियाल जिलाटा से बहुत दुर्घटना हुए सेठिकी जीव एठी जाजपुर गोटे शिल्प जिलाटा सेठिकी जीव अनुगुल गोटे शिल्प जिलाटा सेठिकी जीव एवं पर्याय क्रमे आम 30टा जाक जिले में रोबोट को रखेबू एवं तापर जिलार तलकू तलकू मध्य। प्रथम पर्यायर शिल्प बहुल जिलागुड़िक रोबोट मुतयन कर सूचना देते विपर्जय परिचालन मंत्री सुरेश पूजारी। आगो को राज्यर समस्त 30टी जाक जिले में फायर फाइटिंग रोबोट मुतयन कराजिबो बोली विपर्जय परिचालन मंत्री सूचना देइछन्ति। दिल्ली भली राज्य में अग्नि दुर्घटनार नियंत्रण रे एही रोबोट बड़ भूमिका निभाउछि। ओडिशा रे मध्य फायर फाइटिंग रोबोट अग्निकांड को शीघ्र नियंत्रण करिवारे खूब सहायक हो परिबो बोली आशा करा जाउछि। भुवनेश्वर स्निग्ध चंदन दास का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।